दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर ये सुनने को आ रही है कि 100 रुपये के जो नोट है वो RBI चेंज कराने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2000 से लेकर 10 रुपये तक के जो नोट चेंज हो चुके हैं RBI ये चेंज कर चुकी है। अब बारी है 100 के नोट की, तो अब बदलने जा रहे हैं। 100 रुपये का नोट इस तारीख से होगा आपकी जेब में। 2000 रुपये से लेकर 10 रुपये के नोटों को बदलने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक 100 रुपये के नोटों को भी बदलने की तैयारी में है। जानते हैं इसकी पूरी खबर। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं फाजिल मिर्जा और आप देख रहे हैं टेक मीडिया 2017 यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर साथ में बेल के आइकन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों 100 रुपये का नया नोट बैगनी रंग में होगा। इसके साथ नोट पर वैश्विक धरोहर में से गुजरात के ऐतिहासिक रानी का बावड़ी की फ़ोटो भी होगी। नए नोट के आकार की बात करें तो ये पुराने नोट की तुलना में थोड़ा छोटा होगा। RBI ने ये बात साफ कर दी है कि नए नोट आने के बाद पुराने नोट पहले की तरह अब भी चलन में बने रहेंगे। आइए जानते हैं नए नोट में और क्या खासियत होगी। 100 रुपये के इस नए नोट की छपाई बैंक नोट प्रेस देवास में चल रही है, जिसकी डिज़ाइन के अंतिम प्रारूप को मैसूर की प्रिंटिंग में प्रेस में दिया गया है। आपको बता दें कि इस प्रिंटिंग प्रेस में 2000 रुपये के नोटों को भी छपाई होती है, लेकिन इस बार नए नोटों की छपाई में जो बड़े बदलाव किए गए हैं ये वो उसकी छपाई में स्वदेशी स्याही और कागज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नए नोट के आकार के साथ साथ वज़न भी कम होगा। जहाँ पुराने नोटों का कुल वज़न 108 ग्राम था, वहीं नए नोटों की साइज़ कम होने से अब वज़न 80 ग्राम के आसपास होगा। शुरू हो चुके प्रिंटिंग, हालांकि इस नए नोट के प्रोटोटाइप नमून में विदेश स्याही का उपयोग किया था क्योंकि देवास में छपाई के दौरान देसी स्याही का प्रयोग करके प्रोटोपाई से हुमबुंग रंग मिलन करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब इसका हल निकाल लिया गया है। खबरों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने देवास नोट प्रेस में शुरू की जा चुकी है और इस अगस्त या सितंबर में इन्हें जारी कर दिया जाएगा। पहले से अधिक सुरक्षित होंगे नए नोट। 100 रुपये के नोट के चलन में आने के बाद ATM मशीनों के केस में बदलाव करना होगा। आपको बता दें कि साल 2014 के बाद ये चौथा मौका है कि जब ATM मशीनों में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी। इसके पहले 2000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये के नोटों के लिए ATM मशीनों में बदलाव करना पड़ा। इन नोटों में सामान्य सुरक्षा फीचर्स के साथ करीब एक दर्जन नए फीचर्स को भी जोड़ा गया है। इन नए फीचर्स को सिर्फ अल्ट्रा वाइड रोशनी में ही देखा जा सकता है। दोस्तों ये आपके लिए कैसा रहेगा कि अगर आपके पास नया 100 का नोट आ जाए तो? दोस्तों ये कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने घर दोस्तों के साथ